हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में यूनिट 15, खरगोश और हाथी। ये एक चित्र कहानी है। तो अब हम देखते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। खरगोश का जो बिल यानी कि बखोल होती है वो जमीन के अंदर था और खरगोश इधर उधर कूदते थे। नरम नरम घास खाते थे वो। रात को अपने घरों में सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। कौन आ गए? हाथी। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। हाथी क्या करते? पेड़ को तोड़ देते थे। पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सुंड में पानी भर भर कर नहाते। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, यानी कि नीचे बैठकर मिट्टी में सोते थे। नरम जमीन उनके भार से दब जाती थी। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। हाथियों से बहुत दुखी थे खरगोश। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पाँव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। क्या किया? नमस्कार। देखो ये खरगोश है। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हाथी ने भी नमस्कार किया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। खरगोश क्या बोला? हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। खरगोश ने क्या किया? ऐसे कहानी बना दी। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं। ये परछाई दिखती है ना चांदी की? तो खरगोश क्या कहते हैं कि चांद मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने के लिए। ये आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। खरगोश ने क्या कहा कि सरोवर के पास में जो नरम मिट्टी है उसमें हमने हमारे घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। वो सुराख हाथियों के वजन से दब गए हैं, इसलिए चंदा मामा अपने भांजे दब गए हैं, इसलिए वो नाराज है, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है।
खरगोश आगे बोला, वे रात को शहर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। देखो खरगोश कैसे, उसे कहता है कि रात को चांद आएगा और यह देखकर उन्हें अच्छा लगेगा नहीं। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी। पूर्णमासी यानी कि पूनम का दिन था तो चांद निकला, हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, सरोवर में लहरें आती थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। चांद भी जो पानी हिलता है ना, तो चांद भी ऐसे लगता था कि वो हिल रहा है। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। इस कहानी में हंसी आती है, ऐसी कहानी बनाई है। खरगोश ने हाथियों को कैसे उल्लू बनाया। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो देखो खरगोश ने ऐसे उल्लू बनाया तो उससे हाथियों को सबक मिला। अब शब्दार्थ देखते हैं, सरोवर, झील, परिवार, एक घर में रहने वाले लोग, बंधु, भाई, कुचलना, दबाना, क्षमा, माफी, सुराख, छेद। पूर्णमासी, जिस रात चांद गोल होता है, भांजा, बहन का लड़का, समीप, नजदीक, मुहावरा, गुस्से से कांपना, क्रोधित होना।